दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीमियम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर ऑल द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल विद आर इक्वल्स टू 300 ओम, द रेजिस्टेंस आर ए वी ऑफ द नेटवर्क इज। यहाँ पर हमसे जो ये सर्किट है इसमें R दिया हुआ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी इन टर्मिनल के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इस सर्किट को देखकर हमको घबराना नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में, बट उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है हमारा बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब वी टी स्टोन ब्रिज होता है उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस का कनेक्शन होता है वो इस तरह से होता है कुछ। तो यहाँ पर जो दो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे फिक्स वैल्यू के होते हैं, एक रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल रहता है और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह से वेरी करते हैं कि जो ये यहाँ पर जेडल कह लीजिए या फिर यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर एक कनेक्ट कर देते हैं उसको, इस तरह इस रेजिस्टेंस को इस तरह से वेरी करते हैं कि जो ये गैल्वेनोमीटर हमारा यहाँ पर है या फिर इस जेडल के अक्रॉस है हमारा करंट ज़ीरो हो जाए। तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। यहाँ देखिए, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन करंट थ्रू द लोड टर्मिनल विल बी ज़ीरो। जो ये जेडल है इसके अक्रॉस जो हमारा करंट हो जाता है ज़ीरो हो जाता है। तो उस केस में हम देखते हैं अगर यहाँ पर हमारा करंट ज़ीरो है तो उस टाइम पर जो ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर जो हमारा पोटेंशियल रहेगा वो इक्वल रहेगा, या फिर आप कह लीजिए जब पोटेंशियल इक्वल है तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कंसीडर कर सकते हैं। अगर दूसरी साइड से देखते हैं अगर करंट ज़ीरो है इसके अक्रॉस तो इसको हम ओपन सर्किट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यही दो कंडीशन लेके हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे पहले हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा बैलेंस्ड ब्रिज है कि अनबैलेंस्ड है, तो उसके लिए क्या होता है, ये हमारे पास कंडीशन है पी एस, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहेगा, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। अब दोस्तों हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये कंडीशन हमको कैसे मिला। फ्रेंड्स जब यहाँ पर हमारा करंट ज़ीरो हो जाएगा, कोई करंट यहाँ से हमारा फ्लो कर रहा होगा उस टाइम पर जो हमारा इसके अक्रॉस करंट रहेगा, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा आई वन करंट है, यहाँ पर आई टू करंट है, ओके। तो अगर यहाँ पर करंट हमारा ज़ीरो है उस टाइम पर जो हमारा ये आई वन करंट है ये इधर भी फ्लो होगा और ये आई टू करंट इधर भी फ्लो होगा। अब यहाँ देखते हैं जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है Q इंटू आई वन वो हमारा इक्वल रहेगा इसके अक्रॉस वोल्टेज के P इंटू आई टू, ओके, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज इक्वल है और ये कॉमन पॉइंट है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा इक्वल हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हमारी यहाँ पर लगेगी एस एन आर के लिए, तो S into I1 is equals to रहेगा हमारा R into I2, और इन दो इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है Q by S is equals to P by R। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P S is equals to Q R। तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है बैलेंस्ड ब्रिज का। तो किसी सर्किट में हमारे रेजिस्टेंस अगर इस तरह से कनेक्टेड हैं तो उस टाइम पर हम चेक करते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हमारा इन दो रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो रहा है, तो उस टाइम पर हम कहेंगे जो ये वाली ब्रांच में करंट हमारा ज़ीरो रहेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन गिवन था, यहाँ जो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं कुछ इस तरह से ही कनेक्टेड हैं जैसे हमारा ब्रिज में कनेक्ट थे। तो यहाँ हमको देखना है कि हमारा जो ब्रिज है बैलेंस है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद दिस,
R into R is equals to this resistance multiplied by this resistance R into R. ये हमारा इक्वल हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, और हम कह सकते हैं कि जो ये ब्रांच है हमारा, इस ब्रांच में करंट ज़ीरो रहेगा. उसी तरह से हम यहाँ पर इस ब्रिज के लिए देखते हैं, जो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं ये भी इसी तरह से कनेक्टेड हैं जैसा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में था, और यहाँ पर भी हमारा R इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू R, इट मीन्स हमारा बैलेंस्ड ब्रिज है. और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट है इस ब्रांच में वो ज़ीरो रहेगा, और इस साइड देखते हैं तो इस ब्रांच में हमें करंट ज़ीरो मिलेगा. यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हमको मिल जाते हैं बैलेंस ब्रिज की कंडीशन से. हम एक बार बोल सकते हैं कि अगर करंट ज़ीरो है तो इसको हम ओपन सर्किट कंसीडर कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर करंट ज़ीरो है तो जो ये टर्मिनल है हमारा सेम पोटेंशियल रहेगा तो इसको हम शॉर्ट सर्किट भी कंसीडर कर सकते हैं. तो हम कोई एक कंडीशन लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं. हम पहले हमने लिया है ओपन सर्किट का कंडीशन, यहाँ पर हमने इस रेजिस्टेंस को एज एन ओपन सर्किट कंसीडर कर लिया है. ओके, जब इसको ओपन सर्किट किया तो इस तरह से हमारा सर्किट हमें कुछ मिलेगा, और ये रेजिस्टेंस हमारे हो जाएंगे पैरेलल में, दिस टू एंड दिस टू. ओके, उसको वहाँ से हमको मिलेगा R by 2 एंड दिस R by 2, और नीचे में भी हमारे ये दो R पैरेलल में हैं और ये दो, तो यहाँ से हमको मिलेगा R by 2 एंड R by 2. इसको एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे हम. ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमको ये सीरीज़ में मिल रहे हैं, सीरीज़ यहाँ पर कनेक्शन मिला है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2R, यहाँ हमको इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा R, इनको ऐड करेंगे R मिला, फिर इनको ऐड किया तो हमें 2R मिला, और ये हमारे फोर रेजिस्टेंस हो गए हमारे पैरेलल में. तो इन दो रेजिस्टेंस को का जो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा 2R एंड 2R से इक्विवेलेंट हमको मिलेगा R, और ये R हमारे पहले वाले हैं R. तो यहाँ से हमें थ्री रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का, थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उस टाइम पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं हमारा R by 3 हो जाएगा. क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, अगर हमारे टू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं सेम वैल्यू का, तो हम बोल देते हैं कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R by 2. अगर यहीं पर हमारे थ्री रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का कनेक्टेड है तो हम कह देते हैं हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R by 3. तो वहीं से हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला R by 3, और R का वैल्यू हमें गिवन था 300, तो यहाँ से हमको Rab मिल गया है 100 ओम. ये तो हुआ जब हमने इसको एज एन ओपन सर्किट रिप्लेस किया रेजिस्टेंस को. अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट रिप्लेस करते हैं तब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तब कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं. अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हमने रिप्लेस किया इस रेजिस्टेंस को, तो इस तरह से कुछ हमको सर्किट मिलने वाला है. तब क्या होगा, जो ये अपर रेजिस्टेंसेस हैं, हम देख रहे हैं कि जो इनके ये पॉइंट्स हैं ये शॉर्टेड है, मींस ये सिंगल, मतलब सिंगल पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, और ये पॉइंट्स हमारे सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो ये अपर सिक्स रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं. सेम इसी तरह से जो नीचे वाले रेजिस्टेंस हैं, ये सेम पोटेंशियल है इनका, और नीचे सेम पोटेंशियल है. तो हम कह सकते हैं जो ये नीचे वाले सिक्स रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं. और जैसा मैंने आपको बताया, अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अगर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट मिलता है R by 2, थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो हमको मिलता है R by 3. यहाँ पर हमारे सिक्स रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो हमको इक्विवेलेंट क्या मिलने वाला है, R by 6. इसी तरह से यहाँ पे भी R by 6 मिलेगा, और ये हुआ हमारा सीरीज में, तो यहाँ हमको मिलेगा R by 6 प्लस R by 6 इक्वल्स टू R by 3, और R का वैल्यू हमको गिवन था 300, तो यहाँ से भी हमको Rab का वैल्यू 100 ओम भी मिला है. यहाँ हमने जब ओपन सर्किट का कंडीशन किया था उससे हमने सॉल्व किया था, तब भी हमको Rab का वैल्यू
100 ओम मिला। यहाँ हमने इसको शॉर्ट सर्किट रिप्लेस किया था तो भी हमको RAB का वैल्यू 100 ओम मिला है। तो हम किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अप्लाई कीजिए या फिर ओपन सर्किट का, पर उससे पहले आप चेक कर लीजिए आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। उसके लिए क्या होगा, आपको ये कंडीशन ज़रूर याद करनी होगी। जो यहाँ पर इस तरह से लोड कनेक्टेड है तो उसके डायगनली आप उसका मल्टीप्लिकेशन लीजिए, P × S इज इक्वल्स टू Q × R, और चेक कर लीजिए कि आपका ब्रिज है बैलेंस है या नहीं है। ओके, तो चलिए ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।